आप असेंबली में 176, 150, 180 लोगों को खरीद सकते हैं, 22 करोड़ आवाम को नहीं खरीद सकते, उनके दिलों को नहीं खरीद सकते। ये फैसला हम करेंगे। इलेक्शंस कराएं प्लीज, प्लीज। आज जो कुछ भी इस मुल्क में हुआ है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हुआ है, औरतों, बूढ़ों और बच्चों के साथ जो हरासमेंट हुई है, जो तशद्दुद हुआ है, वो काबिले तश्वीश है, काबिले मजम्मत है। हम कहाँ रह रहे हैं? हम मकबूज़ा कश्मीर में रह रहे हैं? हम फलस्तीन में रह रहे हैं? क्या सारी दुनिया देख रही है इस मुल्क के जो रिस्पॉन्सिबल है हमारी सिक्योरिटी के, वो नहीं देख रहे कि इनके साथ क्या सलूक हो रहा है? खुदा के लिए इस चीज़ को रोकें। अवाम अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें ये हक इस्तेमाल करने से ना रोकें। ये हर नेशन का हक है कि वो अपनी मर्जी का लीडर चुने थ्रू प्रॉपर एंड फेयर इलेक्शंस। हम भी यही हक डिमांड कर रहे हैं अपना, तो हमारे साथ ये सलूक होगा? इसका मतलब ये है कि कल को कोई भी मुजरिम इस मुल्क में दंदनाता फिरेगा और अवाम के लिए एक थ्रेट होगा और उसे नहीं पकड़ा जाएगा? सोचें।